नमस्कार, मेरा नाम है मानव और रामायण के अंदर पुष्पक विमान का जिक्र हुआ था, वो सवारी जो रावण इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब कुछ पुष्पक विमान के टाइप की ही एक कार लॉन्च होने को है तैयार और ये गाड़ी लंदन से पेरिस का सफर तय करेगी क्योंकि ये है उड़ने वाली कार। बिल्कुल सही सुना आपने, उड़ने वाली कार अब फाइनली आने वाली है। इसे एयर कार कहा जा रहा है। ये 8000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और चंद सेकंडों के अंदर ये गाड़ी रोड पे कार से एक एरोप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कार कौन सी है, किस कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया है, कब ये आपको मिल सकती है, कितने की मिल सकती है, कैसे शुरुआत हुई इस गाड़ी की, आइए आपको इस वीडियो में बताएं। पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करें कहानी द एयर कार की। फ्लाइंग कार जो सारी दुनिया के लिए एक सपना था वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। विज्ञान की तरक्की ऑटो सेक्टर में बखूबी देखने को मिल रही है और उसका सबसे बड़ा नमूना है फ्लाइंग कार। जी हाँ, अब उड़ने वाली कार आपको अपने नजदीकी आसमान में जल्द नजर आने लगेगी। स्लोवाकियन कंपनी क्लेन विजन ने ये कारनामा कर दिखाया है। हालांकि फ्लाइंग कार पे कंपनी 2017 से काम कर रही थी, लेकिन 25 जनवरी 2022 को क्लेन विजन की डुअल मोड कार एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस दे दिया गया। यानी कि ये कार उड़ सकती है, इस बात को फाइनली मान लिया गया है। ये सर्टिफिकेशन 70 घंटों के फ्लाइंग टेस्ट और 200 टेक ऑफ्स और लैंडिंग के बाद दी गई है। तो आइए देखते हैं कैसी है ये फ्लाइंग कार। एक बटन दबाते ही ये कार एक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है और वो भी मात्र 135 सेकंड्स यानी कि 2 मिनट और 15 सेकंड्स में। क्लेन विजन की फ्लाइंग कार 8200 फीट की मैक्सिमम ऊंचाई तक उड़ान भर चुकी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि कंपनी इसके इंजन के वजन को कम करके उसे 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इसके अंदर 140 पीएस की पावर वाला 1.6 लीटर बीएमडब्ल्यू का इंजन लगा है। क्लेन विजन इस फ्लाइंग कार को लंदन से पेरिस के बीच चलाने और उड़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये कार चलाने के लिए एक प्राइवेट लाइसेंस होल्डर होना जरूरी है, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर आपके पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस हुआ तो आप अपने घरा से गाड़ी निकालेंगे, उसे पास के प्राइवेट एयरपोर्ट पर ले जाएंगे और हवा में उड़ा के किसी दूसरे देश या किसी दूसरे शहर में चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं रुकना पड़ेगा आपको ऐसा होता देखने के लिए। भाई, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई वालों को अगर ये गाड़ी मिल जाए तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की सड़कों पर इतना जाम लगता है कि गाड़ी वाकई उड़ा के ले जाने की नौबत आ जाती है। तो आइए देखते हैं ये गाड़ी कब हम तक पहुंच पाएगी। फिलहाल इसका प्रोडक्शन शुरू होने को है। क्या आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आके बताइए और एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।